हाय बच्चों, वेलकम बैक टू पेपर हैकर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम राज पांडे, मैं पटना से हूँ। अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बीए पार्ट वन सेमेस्टर टू का एजुकेशन, शिक्षा क्या है। देखिए यहाँ प्रश्न नंबर वन, लॉन्ग टाइप सेंसर क्वेश्चन, प्रश्न नंबर वन। ठीक है, देखिए यहाँ प्रश्न नंबर वन क्या है, वैदिक कालीन शिक्षा क्या है, वैदिक कालीन शिक्षा क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वैदिक कालीन शिक्षा क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा में करके दिया हुआ है यहाँ। प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। ठीक है, उत्तर देखिए यहाँ, उत्तर स्टार्ट हो गया। उत्तर में क्या दिया हुआ है, भारतीय शिक्षा प्रारंभ आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व हुआ था। भारतीय शिक्षा आज प्रारंभ आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन इसके व्यवस्थित व सुसंबंध स्वरूप के दर्शन वैदिक काल से ही हुए। लेकिन इसके व्यवस्थित व सुसंबंध दर्शन जो है वैदिक काल से ही हुए। इस काल में शिक्षा पर जो है ब्राह्मणों का आधिपत्य था। कौन काल में, वैदिक काल में, वैदिक काल में ब्राह्मणों पर, ब्राह्मणों का जो है शिक्षा पर आधिपत्य था, शुरू से ही आधिपत्य रहा हुआ है ब्राह्मणों का। इसलिए इस शिक्षा को ब्राह्मणी अथवा हिंदू शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इस शिक्षा को जो है ब्राह्मणी व अथवा हिंदू शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है या पुकारा जाता है। ठीक है, इस संबंध में एफ डब्ल्यू टॉमस के विचार प्रस्तुत हैं। इस संबंध में जो है एफ डब्ल्यू टॉमस के विचार जो हैं प्रस्तुत हैं। ठीक है, भारत में शिक्षा जो है विदेशी पौधा नहीं है, भारत में जो है शिक्षा जो है विदेश से नहीं आया है, प्राचीन संस्कृति से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और भारत को शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। आर्यभट्ट द्वारा शून्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, शून्य नहीं होता तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते यार, इसलिए शून्य को जो है सिद्धांत जो है आर्यभट्ट ने ही दिया था और शून्य शून्यता का सिद्धांत, इसलिए जो है भारत जो है शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है और विदेश से ये नहीं आया हुआ, विदेशी पौधा नहीं है। संसार जो है, संसार का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ ज्ञान के प्राप्ति प्रेम का इतने प्राचीन समय से आविर्भाव हुआ हो या जिसे इतना चिरस्थायी व शक्तिशाली प्रभाव डाला हो। ठीक है, संसार का ऐसा कोई देश नहीं है जो भारत जितना जो है शिक्षा पर प्रभाव डाला हो और उसका आविर्भाव हुआ हो। ठीक है, देखिए यहाँ इस काल में शिक्षा, कौन काल में, वैदिक काल में, ध्यान दीजिएगा, इस काल में शिक्षा के सर्वांगीण विकास की आधारशिला थी। इस काल में शिक्षा जो है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की आधारशिला थी। शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है, देखिए ये तीनों इंपॉर्टेंट है, विद्या ज्ञान और बोध। क्या है, विद्या ज्ञान और बोध, विद्या ज्ञान और बोध। इस काल में शिक्षा पर कौन तीन महत्वपूर्ण थे, विद्या ज्ञान और बोध, वह विनय से लिया जाता था, विनय से लिया जाता था, विनय मतलब सुशील। शिक्षा को समित व व्यापक दोनों अर्थों में प्रयोग किया जाता है, शिक्षा को जो है सीमित व व्यापक दोनों अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इस काल में शिक्षा को न तो पुस्तकीय ज्ञान का पर्यवाची माना जाता था और न ही जीविकोपार्जन का साधन, जीविकोपार्जन का साधन नहीं माना जाता था उस समय। आज जीविकोपार्जन का बहुत सारा साधन हो गया है, मोटी मोटी रकम वसूलते हैं लोग, फी लेते हैं। शिक्षा को ज्ञान चक्षु अर्थात तीसरा नेत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आप लोग तो बीए के स्टूडेंट हैं, ये तो जानते ही होंगे, शिक्षा को ज्ञान चक्षु अथवा बिना शिक्षा के कुछ पथ प्रदर्शक नहीं कर सकते हम लोग, अथवा शिक्षा को ज्ञान चक्षु अर्थात तीसरा नेत्र कहा जाता है। ठीक है, शिक्षा, शिक्षा जो है क्या है, शिक्षा को वह प्रकाश पुंज यानी दिव्य ज्योति कहा गया है जिसके द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, बुद्धि की विकास होती है। ठीक है, जिसके द्वारा व्यक्ति का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है, वह व्यक्ति उत्तम जीवन व्यतीत करने व मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ हो, उत्तम जीवन जीने व मोक्ष प्राप्त करने में क्या हो, समर्थ हो, ताकि विकास कर सके, आगे बढ़ सके, बुद्धि का विकास हो, आगे ज्ञान की प्राप्ति हो। ठीक है, डॉक्टर एस अल्तेकर, डॉक्टर एस अल्तेकर के शब्दों में
डॉक्टर एएस अल्तेकर के शब्दों में, युग से आज तक शिक्षा के संबंध भारतीयों की मुख्य धारणा यही रही है कि शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करता है। ठीक है, शिक्षा वह उद्देश्य है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्र में हमारा क्या करता है, पथ प्रदर्शन करता है। ठीक है, देखिए वैदिककालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं, वैदिककालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है, वैदिककालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं, देखिए वैदिककालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं, वैदिककालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या है, प्रमुख विशेषताएं वैदिककालीन शिक्षा के आदर्शों व उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों व शिक्षकों ने जिस विशिष्ट प्रणाली का विकास किया, इस संबंध में डॉक्टर एफ ई के ई का कथन है। ठीक है, एफ ई का कथन क्या है, ब्राह्मण ब्राह्मण जो है शिक्षकों ने जिस शिक्षा प्रणाली का विकास किया वह न केवल साम्राज्यों के पतन और समाज के परिवर्तनों से अप्रभावित रही है, वरन उसने हजारों वर्षों तक उच्च शिक्षा की ज्योति को प्रज्वलित रखा है। उच्च शिक्षा की ज्योति को क्या किया है, प्रज्वलित रखा है। वैदिककालीन शिक्षा के आदर्शों व उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों व शिक्षकों ने जिस विशिष्ट प्रणाली का विकास किया, इस संबंध में डॉक्टर एफ ए के ई का कथन क्या है, ब्राह्मण शिक्षकों ने जिस शिक्षा प्रणाली का विकास किया, ब्राह्मणों ने जिस शिक्षा प्रणाली का विकास किया वह न केवल साम्राज्यों के पतन और समाज के परिवर्तनों से अप्रभावित रही, वरन उसने हजारों वर्षों तक उच्च शिक्षा की ज्योति को प्रज्वलित रखा। उच्च शिक्षा की ज्योति को क्या किया, प्रज्वलित रखा। वैदिककालीन शिक्षा की विशेषताएं निम्न प्रकार, वैदिककालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं, बहुत से प्रकार हैं, क्या है, विद्या आरंभ संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार पहले किया जाता था, मतलब कि स्कूल में एडमिशन आरंभ, विद्या का आरंभ गुरुकुल में कराया जाता था पहले। देखिए हाँ, विद्या आरंभ संस्कार का प्रोसेस क्या है, कैसे इसको किया जाता था, विद्या आरंभ संस्कार पहले के, यह संस्कार तब होता था जब छात्र प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करता, मतलब पहले शिक्षा प्राप्त करने में, इसे अक्षर स्वीकारणम शब्द भी कहा गया, इसे क्या बोला गया, अक्षर स्वीकारणम शब्द भी कहा गया, इसे अक्षर स्वीकारणम शब्द भी कहा गया है। डॉक्टर वेद मित्र के अनुसार यह संस्कार, डॉक्टर वेद मित्र के अनुसार यह संस्कार जो है 5 वर्ष की आयु में होता था, वह सब जाति के बालकों के लिए था। डॉक्टर वेद मित्र के अनुसार यह संस्कार 5 वर्ष की आयु में होता था और वह सब जाति के बालकों के लिए था। ठीक है, सब कास्ट के लिए बराबर था शिक्षा। ठीक है, उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार सेकंड क्या है, देखिए यहाँ उपनयन संस्कार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उपनयन संस्कार क्या है, उपनयन का शाब्दिक अर्थ है पास ले जाना, गुरु के पास ले जाना, अर्थात शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाना। ठीक है, उपनीत बालक को ही गुरु सावित्री गायत्री मंत्र का उपदेश देकर शिक्षा देना प्रारंभ करता था। उपनीत बालक को ही गुरु जो है गायत्री मंत्र देकर शिक्षा जो है का उपदेश देकर शिक्षा देना प्रारंभ करता था। जिस प्रकार बिना वापस्तिमा के कोई, जिस प्रकार बिना वापस्तिमा के कोई ईसाई नहीं होता और बिना कलमा के अनुसार मुसलमान नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार वैदिक युग में उपनयन संस्कार के संपादित किए बिना कोई बालक ज्ञान अर्जन नहीं कर सकता था। ईसाई बनने के लिए क्या किया जाता है बताइए तो, वापस्तिमा, क्या किया जाता है, वापस्तिमा। देखिए यहाँ ईसाई बनने के लिए वापस्तिमा किया जाता है, ठीक है, और मुसलमान बनने के लिए कलमा, मुसलमान बनने के लिए कलमा आवश्यक है। उसी प्रकार वैदिक युग में वेद कितने हैं बताइए तो, कोई बता सकता है वेद कितने हैं, वेद बच्चों 4 हैं, वेदांग 6 हैं, ठीक है, वेद 4 और वेदांग 6,
तो उसी प्रकार जो है ब्राह्मणों को वेद का ज्ञान देने के लिए, शिक्षा ग्रहण कराने के लिए ईसाई को भस्मीकरण किया जाता था, मुसलमान को कलमा किया जाता था। उसी प्रकार वैदिक युग में उपनयन संस्कार संपादित भी है, बिना कोई बालक ज्ञान अर्जन नहीं करता था, कर सकता था। यह संस्कार क्या होते थे, तीन वर्णों में, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है, के लिए अनिवार्य था। ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य के लिए अनिवार्य था शिक्षा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य छात्रों का उपनयन संस्कार क्रमशः ब्राह्मण का 8 वर्ष में, क्षत्रिय का 11 वर्ष में और वैश्य का 12 वर्ष में। ब्राह्मण का 8 वर्ष में, क्षत्रिय का 11 वर्ष में और वैश्य का 12 वर्ष में होता था। ब्राह्मण उच्च कुल के होते थे, श्रेष्ठ होते थे सभी से, इसलिए 8 वर्ष में ही इनको शिक्षा ग्रहण किया जाता। क्षत्रिय 11 वर्ष में शिक्षा ग्रहण करते थे, वैश्य 12 वर्ष में शिक्षा ग्रहण करते थे, ठीक है। इन तीनों कास्ट के लिए जो है शिक्षा की आयु निर्धारित किया गया था, ठीक है। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था कैसे थी, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था जो है कि क्या थी, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था, वैदिक कालीन इतिहास तथा शिक्षा प्रणाली, वैदिक कालीन इतिहास तथा शिक्षा प्रणाली संगठन और वैदिक साहित्य से ज्ञात होता था। किससे ज्ञात होता था, संगठन और वैदिक कालीन से ज्ञात होता था। संगठन, संगठन देखिए यहाँ, संगठन और वैदिक कालीन साहित्य से ज्ञात होता है कि इस काल में शिक्षा के स्तर का स्पष्ट विभाजन, शिक्षा के स्तर का स्पष्ट विभाजन नहीं था, शिक्षा के स्तर का स्पष्ट विभाजन नहीं था। प्रारंभिक समय में बालक को आदर्श महापुरुषों की कथाएं, आदर्श महापुरुषों की कथाएं, महापुरुष जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, ये सब क्या थे, प्रारंभिक समय में बालक को आदर्श महापुरुषों, ऋषि मुनि महापुरुषों की कथाएं, वैदिक मंत्रों का स्वरूप, क्या है, वैदिक मंत्रों का स्वरूप, आदर्श महापुरुषों की कथाएं और वैदिक मंत्रों का स्वरूप जानना, उच्चारण करना प्राथमिक शिक्षा के अंग थे। क्या क्या थे, प्राथमिक शिक्षा के अंग थे, जिन्हें परिवार के साथ साथ गुरुकुल में भी प्रयोग किए जाते थे, जिन्हें परिवार के साथ साथ गुरुकुल में भी प्रयोग किए जाते थे, जिन्हें परिवार के साथ साथ गुरुकुल में भी प्रयोग किए जाते थे, ठीक है। आर्थिक सहयोग, आर्थिक सहयोग क्या है, देखिए यहाँ बच्चों, आर्थिक सहयोग, ठीक है, आर्थिक सहयोग देखिए यहाँ 4 नंबर, आर्थिक सहयोग क्या था, मतलब कहाँ से धन दौलत, आर्थिक अर्थ कहाँ से आता था। वैदिक कालीन शिक्षा संस्थाओं की आर्थिक व्यवस्था दान भिक्षा गुरु दक्षिणा पर निर्भर थी, ठीक है, दान भिक्षा तथा गुरु दक्षिणा पर निर्भर थी। दान अधिकतर उन्हीं राजा महाराजाओं के द्वारा दिया जाता था जिसके राज्य में गुरुकुल होते थे। सब राजाओं का राज्य होता था, जैसे स्टेट का भी सीएम होता है, उसी तरह उस समय राज्य का राजा होता था। जिसके क्षेत्र में जो गुरुकुल आता था वह उसे धन दौलत देकर अपने से चलाया करता था, और स्टूडेंट जो शिक्षा ग्रहण करते थे वो जो है दान पान पुण्य कुछ कर दिया करते थे, ठीक है, और गुरुकुल में पढ़ाई चलते रहती थी। तो राजा महाराजाओं के द्वारा दिया जाता था जिसके राज्य में गुरुकुल आते थे, ठीक है, जिसके राज्य में गुरुकुल। वैदिक कालीन शिक्षा पूर्णतया निःशुल्क थी, वैदिक कालीन शिक्षा क्या थी, पूर्णतया निःशुल्क थी, वैदिक कालीन शिक्षा पूर्णतया निःशुल्क थी। विद्यार्थियों से शिक्षा संबंधी, विद्यार्थियों से शिक्षा संबंधी किसी भी प्रकार का न शुल्क लिया जाता था और न साथ ही खाने पीने रहने और वस्त्र धारण करने, खाने पीने रहने और वस्त्र धारण करने से संबंधित विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति भी आश्रम से होती थी। जो भी और आवश्यकता होती थी वो आश्रम से ही पूर्ति की जाती थी। निःशुल्क होने के साथ साथ शिक्षा सार्वभौमिक व सबके लिए थी। निःशुल्क होने के साथ साथ शिक्षा जो है सार्वभौमिक व सबके लिए थी, ठीक है। अध्ययन काल क्या था, अध्ययन काल ठीक है। वैदिक काल में सामान्य रूप से अध्ययन काल बारह वर्ष का था। कितने वर्ष का था, 12 वर्ष का था, ठीक है। वैदिक काल में सामान्य रूप से अध्ययन काल जो था वो 12 वर्ष का था। इसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा गया है कि 12 वर्ष की अवधि केवल एक वेद के अध्ययन के लिए
होती थी। एक वेद के अध्ययन के लिए कितनी अवधि होती थी? 12। और चार वेद हैं तो बच्चों 48 48 साल में चारों वेद पढ़ेंगे। ऐसे एक वेद पढ़ के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर लिया जाता था, तो 12 वर्ष एक वेद पढ़ने के लिए ज्ञात होती थी। यह एक छात्र चारों वेदों का अध्ययन करता है। यदि एक छात्र जो है चारों वेदों का अध्ययन करता है तो उसे प्रत्येक वेद के अध्ययन में 12 वर्ष लगाने पड़ते थे। यदि एक छात्र जो है चारों वेदों का अध्ययन करता है एक छात्र जो है चारों वेदों का अध्ययन करता है तो उसे प्रत्येक वेद पढ़ने के लिए जो है अध्ययन करने के लिए 12 वर्ष लगाने पड़ते थे। पाठ्यक्रम क्या है इसका, देखिए यहाँ पाठ्यक्रम क्या है इसका। पाठ्यक्रम जो है देखिए, पाठ्यक्रम 7 नंबर, पाठ्यक्रम क्या है? वैदिक कालीन पाठ्यक्रम संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वैदिक कालीन पाठ्यक्रम जो है संपूर्ण व्यवस्था में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसे हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, इसे हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे प्रारंभिक पाठ्यक्रम में वैदिक मंत्र का उच्चारण इतिहास में प्राप्त होता है। प्रारंभिक पाठ्यक्रम में जो है वैदिक मंत्र का उच्चारण इतिहास से प्राप्त होता है, फर्स्ट ये है। सेकेंड में क्या दिया हुआ है? उच्च शिक्षा की दृष्टि से पाठ्यक्रम अत्यंत विस्तृत था। उच्च शिक्षा की कुछ भी चीज उच्च जब प्राप्त करेंगे तो विस्तृत तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो उच्च शिक्षा की दृष्टि से पाठ्यक्रम अत्यंत विस्तृत था। जैसे वेदों का अध्ययन ठीक है, साहित्य, वेदों का अध्ययन, साहित्य, इतिहास, ज्योतिष, व्याकरण, दर्शन, शब्द विज्ञान और अर्थ वेद विषय अत्यधिक प्रचलित थे। क्या क्या प्रचलित थे फिर से रिपीट करते हैं। उच्च शिक्षा की दृष्टि से पाठ्यक्रम अत्यंत विस्तृत था, ठीक है। जैसे वेदों का अध्ययन, साहित्य और इतिहास, ज्योतिष, व्याकरण, दर्शन, शब्द विज्ञान, अर्थ वेद विषय अत्यधिक प्रचलित थे। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, पठन पाठन की विधि क्या है बच्चों? देखिए यहाँ 8 नंबर, पठन पाठन की विधि क्या होती थी? वैदिक काल में विद्यार्थी जो है और गुरु का अनुपात सामान्य होने के कारण गुरु विद्यार्थियों को सरल से सरल विधि के द्वारा सिखाने की प्रक्रिया पूर्ण करते थे। गुरु जो है कोई भी गुरु क्या सोचता है, जैसे कोई भी गुरु जो है वो पठन पाठन इस टाइप से पढ़ाए कि स्टूडेंट को जो है इजिली से इजिली समझा सके, सरल से सरल स्थिति में समझा सके। इसलिए जो है गुरुकुल में जब पढ़ाई हुआ करती थी तो सरल से सरल विधि द्वारा सिखाने की प्रक्रिया पूर्ण करते थे। कौन? गुरु, गुरुकुल में जो होते थे, ठीक है। देखिए बच्चों, इन विधियों में प्रमुख रूप से श्रवण मनन विधि का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? श्रवण मनन विधि, मनन मनन चिंतन विधि, जो हम पढ़ाएं वो दिमाग में पढ़ के और समझ लेना, जो हम पढ़ाएं उसको कैचअप करना, माइंड से कैचअप करना, उसको कितने हम अचीव कर लेते हैं माइंड में। श्रवण मनन विधि जो थी वो सबसे अच्छे तरीके थी पढ़ाने की। इन विधियों में प्रमुख रूप से श्रवण मनन विधि थी। नवीन ज्ञान को आत्मसात करने के लिए बोधि विधि का सामान्यतया प्रचार था। नवीन ज्ञान को आत्मसात करने के लिए क्या था? बोधि विधि का सामान्य प्रचार किया था। तो गुरुकुल क्या है? वैदिक कालीन शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता गुरुकुल प्रणाली थी। क्या थी? गुरुकुल प्रणाली थी। छात्र अपने गुरु के कुल अथवा किसी आश्रम में रहते थे। छात्र कहाँ रहते थे? अपने गुरु के कुल अथवा किसी आश्रम में रहते थे। वहीं रहकर वे ज्ञान अर्जन करते थे। ज्ञान का अर्जन करते थे, ठीक है, गुरुकुल में ही रहकर। गुरुकुल साधारणतः नैसर्गिक सौंदर्य से सुरक्षित जनपद कोलाहल से दूर प्रकृति में स्थित होते थे। गुरुकुल कहाँ होते थे? राजा के राज्य में ही होते थे, गांव से थोड़ी सी दूर पर हुआ करते थे और प्राकृतिक की गोद में बसा हुआ करते थे, जहाँ शांति हो और पढ़ाई का माहौल हो और वहाँ जो है प्रकृति की संरक्षण में, प्रकृति के गोद में हो, नैसर्गिक सौंदर्य से सुरक्षित जनपद कोलाहल से दूर, गांव से दूर, हो हल्ला
कुछ भी ना हो, दूर प्रकृति में स्थित होते थे, परंतु वे किसी गांव या नगर के समीप अवश्य होते थे। गांव या नगर के समीप रहेगा तभी ना कोई पढ़ पाएगा, दूर रहेगा तो थोड़े पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। जिसमें उनमें निवास करने वाले छात्रों की अल्प आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जिनमें जिससे उनमें निवास करने वाले छात्रों और की अल्प आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। जैसे कि छात्र को जो जब गुरुकुल में रहते हैं तो उनको बहुत सारे चीज़ें की आवश्यकता होती हैं, तो अल्प आवश्यकताएं जो होंगी वो गांव के द्वारा, गुरुकुल के द्वारा लोग ला के दे सकेंगे, दान भिक्षा और गुरु दक्षिणा दे सकेंगे, तभी तो पूर्ति हो सकेगी, अल्प आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। दैनिक कार्यक्रम क्या था, 10 नंबर देखिए यहाँ, दैनिक कार्यक्रम। दैनिक कार्यक्रम, दैनिक कार्यक्रम देखिए यहाँ, दैनिक कार्यक्रम क्या, दैनिक कार्यक्रम। प्राचीन काल में शिक्षा की विधि रटने की थी, प्राचीन काल में शिक्षा की विधि क्या थी, रटने की थी। उस कागज पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होता था, कागज उस समय वैदिक काल में पर्याप्त मात्रा में थोड़े था, लेखक भी अधिक नहीं थे, लेखक भी अधिक नहीं थे, पुस्तकों की। नेक्स्ट बच्चों देखिए, दैनिक कार्यक्रम, ठीक है, दैनिक कार्यक्रम, दैनिक कार्यक्रम क्या है देखिए यहाँ, दैनिक कार्यक्रम क्या थी। प्राचीन काल में शिक्षा की विधि रटाने की थी, क्या थी, शिक्षा की विधि रटाने की थी। उस काल में कागज पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होता था, कागज क्या था, पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होता था, लेखक भी अधिक नहीं थे, लेखक भी क्या थे, अधिक नहीं थे, पुस्तकों की संख्या जो थी वो भी अधिक नहीं हुआ करती थी, पुस्तकों की संख्या भी अधिक नहीं हुआ करती थी, ठीक है, पुस्तकों की संख्या भी अधिक नहीं थी। शिक्षा केंद्रित थी, अवकाश के दिन अध्ययन कार्य नहीं होता था, जिस दिन छुट्टी रहता था उस दिन अध्ययन कार्य नहीं किया जाता था, ठीक है। अवकाश के दिन छात्रों का भ्रमण कार्यक्रम रहता था, कौन सा कार्यक्रम रहता था, भ्रमण कार्यक्रम, देखिए यहाँ, भ्रमण कार्यक्रम। अवकाश के दिन कौन सा कार्यक्रम होता था, भ्रमण कार्यक्रम। गुरु शिष्य संबंध क्या थे, गुरु शिष्य संबंध, वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध पवित्र व मधुर थे, पवित्र व मधुर थे। उनका संबंध किसी संस्था के माध्यम से न होकर सीधा उन्हीं के मध्य था, सीधा उन्हीं के मध्य था, उनका संबंध किसी संस्था के माध्यम से न होकर सीधा उन्हीं के मध्य था। यह संबंध दो तरफा था, यह संबंध क्या था, दो तरफा था। डॉक्टर एस अलतेकर के शब्दों में, शिक्षक व छात्र के संबंध स्नेहपूर्ण व घनिष्ठ थे और भावी जीवन में भी बने रहते थे। शिक्षक व छात्र के संबंध जो थे स्नेहपूर्ण व घनिष्ठ थे और भावी जीवन में भी बने रहते थे, ठीक है। शिक्षक के छात्र के प्रति कर्तव्य, शिक्षक के छात्र के प्रति कर्तव्य, शिक्षक छात्र के प्रति कर्तव्य क्या था, शिक्षक गुरु छात्र के साथ पुत्रवत व्यवहार करता था। शिक्षक जो था
वो छात्र से कौन सा व्यवहार करता था? पुत्रवत व्यवहार, पुत्र ही मान लेते थे शिक्षक। वह उसका शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक विकास करने का प्रयास करता था। कौन कौन विकास? शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक विकास करने का प्रयास करते थे। गुरु शिष्य के भोजन व वस्त्र की व्यवस्था करता था। गुरु जो है शिष्य के भोजन व वस्त्र की व्यवस्था करता था। बीमार होने पर उनकी सेवा करना व दवा, ठीक है, बीमार होने पर उनकी सेवा करना व दवा, ठीक है, बीमार होने पर उनकी सेवा करना व दवा की व्यवस्था करना गुरु का कर्तव्य था। दवा की व्यवस्था करना गुरु का कर्तव्य था। गुरु छात्र का आध्यात्मिक पिता माना जाता था। गुरु जो था वो छात्र का क्या जाता था? आध्यात्मिक पिता माना जाता था। वह छात्र को समस्त ज्ञान व जो उसमें विद्यमान देता था। वह पिता तुल्य व्यवहार करते थे, वह पिता तुल्य भी व्यवहार करते थे, ठीक है। छात्र के गुरु शिक्षक के प्रति कर्तव्य, छात्र और गुरु शिक्षक के प्रति कर्तव्य क्या था? देखिए यहाँ, छात्र के गुरु शिक्षक के प्रति कर्तव्य, ठीक है। गुरु को देवतुल्य समझा जाता था और ईश्वर के रूप में प्रस्तुत की जाती थी। गुरु की सेवा करना उनका परम कर्तव्य था। गुरु की सेवा करना उनका क्या था? परम कर्तव्य था, ठीक है। गुरु की सेवा करना उनका परम कर्तव्य था। इस प्रकार गुरु शिष्य संबंध पारस्परिक स्नेह, सम्मान, विश्वास पर कर्तव्य की भावना निहित था। किस प्रकार संबंध था? गुरु का संबंध जो है स्नेह, सम्मान, विश्वास, कर्तव्य से निहित था। 12 नंबर, दंड क्या था? अगर कोई गलती कर दे, बदमाशी कर दे, तो उसे दंड क्या दिया जाता था? देखिए यहाँ, दंड क्या दिया जाता था? दंड क्या दिया जाता था? देखिए यहाँ, वैदिक काल में अनुशासनहीनता पर छात्र को दंड की व्यवस्था थी। दंड जो है के रूप में समझाना, उपदेश देना, उपवास आदि था, दे दिया जाता था। पढ़ाइए, समझाइए, किताब को पढ़ के और उसको समझाइए, तो दंड के रूप में समझाना व उपवास आदि था। लेकिन अधिक अनुशासनहीनता पर उसे क्या किया जाता था? गुरुकुल से निष्कासित कर दिया जाता था। गुरुकुल से अधिक जो है बदमाशी कर देगा, अधिक जो है उदंडता कर देगा, तो उसे गुरुकुल से निष्कासित कर दिया जाता था, ठीक है। शिक्षा की पद्धति क्या थी? कैसे पढ़ाया जाता था? वैदिक काल में शिक्षा व्यक्तिक थी, ठीक है, व्यक्तिक थी। इस संबंध में मिर्डेल ने लिखा है, इस संबंध में मिर्डेल ने क्या लिखा है? हिंदू धर्म की सीमा में शिक्षा की पद्धति जो है, हिंदू धर्म की सीमा में शिक्षा की पद्धति जो है व्यक्तिक थी। क्या थी? व्यक्तिक थी, क्योंकि प्रत्येक गुरु के अपने स्वयं शिष्य होते थे, प्रत्येक गुरु के अपने स्वयं शिष्य होते थे। मूल्यांकन परीक्षा कैसे कराया जाता था? देखिए यहाँ, मूल्यांकन परीक्षा प्राचीन काल की परीक्षाएं आज की भांति ब्रह्म परीक्षाएं नहीं थी, ब्रह्म परीक्षाएं नहीं थी, केवल आंतरिक परीक्षाओं की परिपाटी थी, आंतरिक परीक्षाओं की परिपाटी थी, ठीक है, आंतरिक परीक्षाओं की परिपाटी थी। परीक्षा स्वरूप भी आज जैसा नहीं था, परीक्षा स्वरूप भी क्या था? आज जैसा नहीं था। अरे वैदिक काल खाता तो उस समय का अलग होगा, आज का अलग सिलेबस है। शिक्षक समय समय पर मौखिक प्रश्नों एवं क्रियात्मक क्रियाओं के द्वारा अपने छात्रों का क्या करते थे? मूल्यांकन किया करते थे। वैदिक समय में जो है शिक्षक जो है समय समय पर मौखिक प्रश्नों एवं क्रियात्मक क्रियाओं के द्वारा अपने छात्रों का मूल्यांकन करते थे, टेस्ट लिया करते थे, कितना मार्क्स आता है, जैसे आजकल टेस्ट लिया जाता है, उस समय मूल्यांकन किया करता था मौखिक प्रश्नों द्वारा और क्रियात्मक क्रियाओं द्वारा, ठीक है। क्रियात्मक क्रियाओं का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि टेस्ट लिया जाता था लिख के, राइट करके, और सब भी काम करवा के उससे। समावर्तन संस्कार, समावर्तन संस्कार क्या था? देखिए यहाँ, समावर्तन संस्कार क्या था? समावर्तन संस्कार, समावर्तन संस्कार, समावर्तन संस्कार क्या था बच्चों? देखिए, यह संस्कार उस समय संपन्न किया कराया जाता था जब छात्र जो है
अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेता था। समर्थन संस्कार उस समय किया जाता था जब छात्र जो है अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेता था। ठीक है, समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है घर लौटना, रिटर्निंग होम, अर्थात छात्र अपनी शिक्षा पूर्ण कर ब्रह्मचर्य आश्रम का परित्याग कर गृहस्थ आश्रम में जो है लौटता था। ब्रह्मचर्य का त्याग कर और गृहस्थ आश्रम में जो है छात्र क्या करता था, लौटता था। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर। तब यह संस्कार संपन्न कराया जाता था, यह संस्कार 25 वर्ष की आयु में होता था। ठीक है, यह संस्कार कितने वर्ष की आयु में होता था, 25 वर्ष की आयु में होता था। समावर्तन संस्कार आधुनिक समय के दीक्षांत समारोह, समावर्तन संस्कार क्या है, आधुनिक समय के दीक्षांत समारोह कॉन्वेक्शन के सदृश है। इस संस्कार के समय गुरु छात्र को मधुवर्क देकर समावर्तन उपदेश देकर आदेश पालन करने का कहता था। छात्र गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ अर्पित करता था। ठीक है, छात्र जो है गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ ना कुछ देता था। शिक्षण पद्धति क्या थी बच्चों, देखिए यहाँ पद्धति, शिक्षण पद्धति। ठीक है, शिक्षण पद्धति क्या थी, शिक्षण पद्धति। ठीक है, प्राचीन काल में शिक्षा पद्धति प्रवचन व व्याख्या करने के प्रवचन व व्याख्या के रूप में पूर्णतया मौखिक थी, पूर्णतया मौखिक थी, मुंह से ही कराया जाता था। छात्रों की पाठ्य संबंधी समस्याओं का समाधान प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद व शास्त्रास्त्र का प्रयोग होता था। छात्र संख्या कम होने के कारण छात्र व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता था। छात्र को जो है छात्र संख्या उतना, छात्र थोड़े हुआ करते थे, पढ़ने पर उतना कोई फोकस थोड़े पहले कर किया करता था, लेकिन छात्र पर जो है व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता था उस समय। ठीक है, छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता था। छात्र संबंधी नियम, कुछ नियम थे छात्र संबंधी नियम, देखिए यहाँ छात्र संबंधी नियम क्या थे। छात्र के जीवन संबंधी अनेक नियम थे जिनका पालन जो है करना अनिवार्य था। छात्र संबंधी, छात्र के जीवन संबंधी अनेक नियम थे जिनका पालन करना अनिवार्य था। आदत, आदत क्या थी, धनी निर्धन व मध्यम वर्ग के परिवारों के बालकों को एक समान सरल व सादा जीवन व्यतीत करना होता था। धनी निर्धन व मध्यम वर्ग के परिवार के बालकों को एक समान सरल व सादा जीवन व्यतीत करना होता था। ठीक है, दिनचर्या क्या थी उन लोगों की, देखिए बच्चों यहाँ दिनचर्या क्या थी उन लोगों की, दिनचर्या क्या थी, देखिए सेकंड नंबर दिनचर्या। छात्रों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच स्नान से निवृत्त होकर संध्या काल में हवन कार्य करने होते थे। ठीक है, इसके बाद स्वाध्याय होता था, इसके बाद स्वाध्याय होता था। मध्याह्न में भोजन के लिए अवकाश मिलता, मध्याह्न में भोजन के लिए छुट्टी मिलती थी, अवकाश मिलता था, फिर विद्या अध्ययन होता था। सूर्यास्त के समय वे भोजन भजन पूजा के बाद भोजन करते, सूर्यास्त के समय वह भजन और पूजा के बाद भोजन करते थे। खान पान, खान पान क्या था उन सब, खान पान दिन में 2 बार सादा व कम खाने का आदेश था, दिन में क्या था 2 बार सादा व कम खाने का आदेश था। वेशभूषा, वेशभूषा क्या थी, छात्रों की वेशभूषा वर्ग के अनुसार थी, छात्रों की वेशभूषा क्या थी वर्ग के अनुसार थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यही ना तीनों पढ़ते थे, तो वे उन लोगों की जो है वेशभूषा वर्ग के अनुसार सभी को दिया गया था। प्रत्येक छात्र को जनेऊ पहनना अनिवार्य था, मेखला धारण करना पड़ता था। ब्राह्मण को मूज, क्षत्रिय को तांत, वो वैश्य को ऊन, ब्राह्मण को मूज, क्षत्रिय को तांत, वो वैश्य को ऊन, ठीक है, धारण करनी होती। इसी क्रम में वस्त्र थे, इसी क्रम में वस्त्र थे। 18 नंबर क्या है, देखिए यहाँ लास्ट, ब्रह्म नियंत्रण से मुक्ति, ब्रह्म नियंत्रण से मुक्ति। वैदिक कालीन शिक्षा ब्रह्म नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त थी, ब्रह्म नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त थी। राज्य सरकार या किसी राजनीतिक दल का शिक्षा पर कोई हस्तक्षेप नहीं था, राज्य सरकार या राजनीतिक दल का कोई शिक्षा पर कोई हस्तक्षेप नहीं था। इस प्रकार वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था
पूर्णतया गौरवमयी थी। वैदिककालीन शिक्षा व्यवस्था क्या थी? पूर्णतया गौरवमयी थी। इस काल में छात्र के चरित्र निर्माण व सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता था। चरित्र निर्माण के लिए उन लोगों को गुरुकुल में लाया जाता था, उस पर बल दिया जाता था और सर्वांगीण बुद्धि का विकास किया जाता था। थैंक्स बच्चों, थैंक्स बरेली, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे शेयर एंड लाइक, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स।